जय भारत विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में रेज्यूमे के अंदर पर्सनल डिटेल्स क्या एंड किस तरह सेट करते हैं उसके बारे में देखा, इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सनल डिटेल्स के बाद का जो सेक्शन है उसमें हमें ऐड करना है हमारा करियर ऑब्जेक्टिव, जो तीन नाम से जाना जाता है, करियर ऑब्जेक्टिव और समरी और अबाउट मी, और बहुत सारे लोग उसको माई प्रोफाइल भी मेंशन करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पर आपको आपके करियर का जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो करियर प्लान है, आपका जो करियर गोल है, आपके पास जो स्किल है, उसकी तीन चार लाइन के अंदर एक ब्रीफ देना है, जो पढ़ने से कोई भी पर्सन आसानी से समझ पाए कि आपने क्या किया है और क्या करना चाहते हो। तो इसके यहाँ पर हमने छह एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, और हर एक एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर शेयर किया है, आप अलग तरीके से भी यहाँ पर आपका करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन कर सकते हो, लेकिन खास ख्याल रखना कि आप कोई भी करियर ऑब्जेक्टिव ऐड करते हो तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एंड हर एक करियर ऑब्जेक्टिव आपके करियर के रिलेटेड है, आपके पोजीशन के रिलेटेड है, आपकी स्किल्स के रिलेटेड है, उसका आप खास ख्याल रखिएगा। जैसे कि आप कैसी कंपनी में काम करना चाहते हो, आपके पास क्या स्किल है, आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, एक्सपेक्टेशन इन द सेंस कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर आपको वर्क कल्चर यानी कि आपका चैलेंजिंग वर्क कल्चर आपको एक्सेप्टेबल है, एंड आप नया नया जो स्किल्स है, नई नई टेक्नोलॉजी वो डेली बेस पर लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वो आपके करियर ऑब्जेक्टिव में आएगा। एंड करियर ऑब्जेक्टिव जो है उसके हिसाब से वो पढ़ने के बाद इंटरव्यूअर आपको कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें करियर ऑब्जेक्टिव में मेंशन कीजिएगा, जिसका जवाब हर एक क्वेश्चन का जवाब, हर एक सवाल का जवाब आपके पास हो। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपके साथ छः एग्जाम्पल शेयर किए हुए हैं। बाकी की करियर ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से भी मेंशन कर सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो, आप रेफरेंस भी ले सकते हो, लेकिन एक ही बात का ख्याल रखना है कि जो भी करियर ऑब्जेक्टिव आप मेंशन करते हो वो आपकी पोजीशन के रिलेटेड एंड आपके स्किल्स के रिलेटेड होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे रेज्यूमे के अंदर एजुकेशनल डिटेल्स कैसे ऐड करते हैं। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।